नीट पीजी 2024 का एग्जाम 23 जून को शेड्यूल है और इस एग्जाम के लिए अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस बार एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में ना सिर्फ हम आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं उसका प्रोसेस बताएंगे, बल्कि इसके साथ ही आपको एग्जाम डे गाइडलाइन, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट और एग्जाम डे शेड्यूल की कम्प्लीट डिटेल्स भी देंगे। तो शुरू करते हैं नीट पीजी 2024 एडमिट कार्ड से। नीट पीजी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 16 अप्रैल से शुरू हुआ था और ये 6 मई को खत्म हुआ था। वैसे तो नीट पीजी 2024 की एग्जाम डेट ऑलरेडी 3 बार चेंज हो चुकी है और अब जो फाइनल डेट आई है वो है 23 जून। नीट पीजी का एग्जाम सिंगल सेशन में कंडक्ट होगा और इस एग्जाम की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से दिन के 12:30 बजे तक। वैसे तो एडमिट कार्ड की विंडो एग्जाम डे तक ओपन रहेगी, लेकिन एंड मोमेंट में आपके लिए कोई इशू ना हो इसलिए जरूरी है कि आप अपना एडमिट कार्ड टाइम से डाउनलोड कर दें, क्योंकि एंड मोमेंट में अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई भी इशू होगा आपकी डिटेल से रिलेटेड तो वो लास्ट मोमेंट में चेंज नहीं होगा और इसके साथ ही गलत डिटेल वाले एडमिट कार्ड के साथ आपको एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। अब ये कौन सी डिटेल्स हैं जो आपको अच्छे से चेक करनी है उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस क्या है। नीट पीजी 2024 का एडमिट कार्ड सिर्फ NBE की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको विजिट करना होगा natboard.edu.in। इसके बाद आपको होम पेज में राइट साइड में नोटिफिकेशन का सेक्शन शो होगा, यहाँ आपको सर्च करना होगा नीट पीजी 2024 एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक। इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन में एक लॉगिन विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपकी स्क्रीन में आपको अपना एडमिट कार्ड शो हो जाएगा। एडमिट कार्ड में सारी डिटेल्स मेंशन होंगी जिनको स्टूडेंट को अच्छे से चेक करना है, जैसे कि कैंडिडेट नेम, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, कैटेगरी, एग्जाम सेंटर, एग्जाम डेट एंड टाइम, PWD स्टेटस, रिपोर्टिंग टाइम एक्सेट्रा। अगर आपके एडमिट कार्ड में किसी भी तरीके का कोई इशू हो तो आप nbeexamhelpdesk@gmail.com में कंडक्टिंग बॉडी को मेल लिख सकते हैं या फिर आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो कि है 1800-266-7075। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के साथ साथ ये जरूरी है कि आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट भी एक बार देख लें। वैसे NBE नीट पीजी 2024 के एडमिट कार्ड के साथ कुछ एग्जाम डे गाइडलाइंस भी रिलीज करती है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी ये जान लेते हैं कि एंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। नीट पीजी के एग्जाम में एंट्री के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका एडमिट कार्ड और कोई भी एक आईडी प्रूफ, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा। मेक श्योर कि आप जो भी आईडी प्रूफ अपने साथ लेके जाएं उसमें आपकी एक क्लियर पिक्चर हो और इसके साथ ही सारी की सारी आपकी पर्सनल डिटेल्स उसमें मेंशन हो। आईडी प्रूफ के साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी वो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो कि अप्रूव्ड होना चाहिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर स्टेट मेडिकल काउंसिल की तरफ से। आपको इस सर्टिफिकेट के ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों ही अपने साथ लेके जानी है, क्योंकि इसके बिना आपको एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। आपको अपने एडमिट कार्ड में एक पासपोर्ट साइज फोटो भी पेस्ट करनी है जिसकी डायमेंशन होनी चाहिए 35mm x 45mm और जिसका रेजोल्यूशन 650 dpi होना चाहिए। इसके साथ ही फोटो में बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और फोटो में कैप, गॉगल्स या फिर किसी भी तरीके के ऑर्नामेंट्स अलाउड नहीं है। एग्जाम गाइडलाइन को आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं और फिर एग्जाम सेंटर में पहुंच के टेंशन में आ जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप एग्जाम में जाने से पहले एग्जाम डे गाइडलाइंस को अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि इसमें क्लियरली मेंशन होता है कि आपको कौन सी चीजें अलाउड हैं और कौन सी अलाउड नहीं है। एग्जाम में किसी भी तरीके का स्टेशनरी आइटम जैसे कि पेन, पेपर, राइटिंग पेन, इरेजर एक्सेट्रा अलाउड नहीं है। एग्जाम हॉल के अंदर किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी अलाउड नहीं है, जैसे कि ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, फोन, पेजर, माइक्रोफोन, हेल्थ बैंड एक्सेट्रा। ऑर्नामेंट जैसे बैंगल्स, इयररिंग, चेन, ये सब भी एग्जाम हॉल में आप पहन के नहीं जा सकते। इसके साथ ही दूसरे आइटम जैसे कि वॉलेट, बेल्ट, गॉगल्स या फिर किसी भी तरीके का ईडिबल आइटम, वेदर इट इज पैक्ड और ओपन, आप एग्जाम हॉल में ये कुछ भी नहीं लेके जा सकते। ये तो बात हो गई उन चीजों की जो एग्जाम सेंटर में अलाउड नहीं है। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या है। वैसे तो एग्जाम सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम सेंटर में एग्जाम शुरू होने से पहले पहुंचना पड़ेगा ताकि आपकी चेकिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिजिटल इमेज, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और बाकी का प्रोसेस टाइम से कंप्लीट हो जाए। आपके एडमिट कार्ड में आपका रिपोर्टिंग टाइम मेंशन होता है, तो मेक श्योर कि आप उसी हिसाब से अपने घर से निकले, क्योंकि एग्जाम सेंटर में अगर आप लेट हो गए तो आपको एग्जाम हॉल के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। अब नीट पीजी 2024 एग्जाम का पूरा शेड्यूल क्या है उसको भी जान लेते हैं।
हैं। एग्जाम सेंटर में कैंडिडेट्स की एंट्री और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सुबह 7 बजे से होने शुरू हो जाएंगे। 8:30 बजे तक सारे कैंडिडेट्स को एंट्री लेनी पड़ेगी एग्जाम हॉल के अंदर। 8:45 में कैंडिडेट्स को लॉगिन एक्सेस मिल जाएगा और 8:50 तक स्टूडेंट्स लॉगिन कर लेंगे टू रीड द इंस्ट्रक्शन और 9 बजे से एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स नीट पीजी 2024 को लेकर। अगर आप एग्जाम में अपियर होने वाले हैं तो इन सारी ही डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लें और आपके एग्जाम के लिए हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही एजुकेशन से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए सर्व ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।